नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका। आज बात करते हैं माँ दुर्गा के सातवें रूप के बारे में। नवरात्र के सातवें दिन दुर्गा माँ के काली रूप की पूजा की जाती है। पूजा करने से माँ कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। पुराणों में इन्हें सभी सिद्धियों की देवी भी कहा गया है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक इस दिन देवी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है, इनकी श्वास से अग्नि निकलती है, माँ के बाल बिखरे हुए हैं, उनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति चमकती है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं, और चार हाथ हैं, जिनमें से एक में खड़ग अर्थात तलवार है, दूसरे में लोह अस्त्र है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। माँ का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठाती देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। देवी का ये रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। माँ कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कालरात्रि माता को काली का रूप भी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप की साधना करते समय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम हेम हिम क्ली चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि देवे नमः। दुर्गा पूजा का सातवां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। तंत्र साधना करने वाले इस दिन मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। बताया जाता है कि इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं और भक्तों के लिए देवी माँ का दरवाजा खुल जाता है। अब आपको इसकी पूजा विधि बताते हैं। नवरात्र महापर्व के सप्तमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से सिक्त करें, फिर माँ को फूल सिंदूर कुमकुम रोली अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माता कालरात्रि को नींबू से बनी माला पहनाएं और गुड़ से बने पकवान का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें, फिर माँ कालरात्रि की आरती उतारें। आरती से पहले दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। आरती के बाद माता से अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।